नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं हर मंडे को एक व्लॉग या वीडियो डालता ही हूँ और कुछ हफ्ते से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। उसका रीज़न ऐसा है कि मैंने एक बोट खरीदी है, बोट मतलब एक कायंक। तो मैं उसका एक व्लॉग बना रहा था समंदर के बीच में और मेरा कैमरा गिर गया और उसकी वजह से वो फुटेज भी चले गई, जो मैंने बीच में वीडियो रिकॉर्ड किए थे वो भी चले गए क्योंकि वो मेमोरी कार्ड के अंदर थे, और उसी के साथ थोड़ा सा गैप आ गया। तो अभी मैं नया कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये नए कैमरे की क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है। मैंने अभी लेटेस्ट जो गोप्रो है, आई थिंक गोप्रो 12, वो ऑर्डर किया था और उसी के साथ क्रिएटर एडिशन में माइक, लाइट वगैरह सब आया है। तो वीडियो क्वालिटी और फुटेज क्वालिटी का जो भी आपके पास फीडबैक रहेगा मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है कि बीच में एक इंडिया गया था, तो इंडिया में कैसा था मालूम है, मुझे एक बंदा मिला जिसको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। बेसिकली आप कह सकते हो कि आउट ऑफ इंडिया काम करना था, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं अपन। तो उसमें ऐसा सीन था कि उसने कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज को पैसे दिए थे और वो पैसे लेके कंसल्टेंसी सर्विस गायब हो गई, पैसे भी हजम कर दिया, उसे कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी। सो ये एक सीन हुआ। और कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा कलीग है, इंडिया से काम करता है वो, तो मुझे पूछ रहा था कि यार साकिर भाई मुझे बताओ कि यार ये ऑनसेट अपॉर्चुनिटी कैसे लेते हैं, या यहाँ मैं कोस्टारिका के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, राइट, तो उसने भी देखे हैं। तो उसको थोड़ा सा उसने बोला कि यार मुझे कोई एडवाइस दो कि मैं कोस्टारिका या कोई भी कंट्री में कैसे काम करूँ, मुझे अभी फिलहाल ऑनसेट एक्सपोजर चाहिए, मतलब अब्रॉड में काम करना है, या कोई भी ऑनसेट अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकते हैं। तो मैंने उसको मेरे हिसाब से जो गाइड कर सकता था मैंने उसको बताया जो मेरा ओपिनियन है। तो बोला क्यों ना यार, नया कैमरा है और मुझे वैसे भी वीडियोज़ बनाने हैं, तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है कि इंडिया में ऐसा बहुत ही एक बड़ा बड़ा टप्पा बोल सकते हो जिनको इंडिया से बाहर का काम करने में इंटरेस्ट होता है, इंडिया से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्ट होता है। इट कुड बी एनी रीज़न, बेटर लाइफस्टाइल, ज़्यादा पैसा, और इट कुड बी एनीथिंग, एक्सपोजर। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज एक ऐसा वीडियो बनाए आपूँ जिसमें मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं रह रहा हूँ 7 साल से कोस्टारिका में और आई हैव फ्रेंड्स जो इंडिया से US मूव हुए हैं, इंडिया से कनाडा मूव हुए, ऑस्ट्रेलिया मूव हुए, जर्मनी, ब्राज़ील, और यहाँ से एज वेल, तो यहाँ से कुछ फ्रेंड्स हैं जो US और कनाडा मूव हुए हैं, एक जर्मनी मूव हुआ है। मैं बोला यार मुझे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अपने यंगस्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ली कैसी जाती है, मतलब उनको उनको इच्छा होती है रहते हैं बट उनको पता नहीं होता, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मैंने फ़ोन के अंदर मुझे जो ऐसे लगते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हैं, तो उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले, अगर आपको अब्रॉड जाना है, अगर आपको इंडिया से बाहर काम करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन है गो फॉर स्टडीज अब्रॉड। देखो, अगर आपको समझो अभी US में काम करना है, आपको आपको इच्छा है, अगर आप स्टूडेंट हो, तो सबसे ईजिएस्ट वे है कि आप वहाँ की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, इट कुड बी बैचलर्स, मास्टर्स, और जैसी आपकी वहाँ पढ़ाई खत्म होगी देर इज़ अ 90% चांस कि आपको वहाँ जॉब लग जाएगा। यही चीज़ें कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और ऑलमोस्ट सारी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होती है। बट इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है पैसा। जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो काफ़ी पैसा खर्चा होता है। अगर आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो तो मेरे हिसाब से 20-25 लाख तो कहीं नहीं जाते मिनिमम। बट आइधर आपको पेरेंट्स से पैसे सपोर्ट लेना पड़ेगा, देर इज़ सेकेंड ऑप्शन, देर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिटी ट्रस्ट। आप जो भी कम्युनिटी में होते हो, अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो उसकी ट्रस्ट होती है, वो भी एक सर्टन हद तक आपको स्पॉन्सर कर सकती है। तीसरा वे होता है, आप लोन ले सकते हो कोलेटरल देके बैंक को, और आई थिंक दैट अगर बेटर यूनिवर्सिटी है, मैं कुछ आर्टिकल रीड कर रहा था, तो शायद बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए आजकल कुछ बैंक्स हैं इंडिया में जो कोलेटरल फ्री लोन स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर दिया, उसमें उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट द मेन टॉपिक इज, अगर आपको जाना है भार्गव में और इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क एनीवेयर इन अब्रॉड, गोइंग फॉर स्टडी फॉर देयर इज द बेस्ट ऑप्शन, ईजिएस्ट ऑप्शन, बट इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, अच्छा खासा पैसा खर्चा हो जाता है। बट आज की तारीख में बहुत सारे जो बच्चे हैं इंडिया में वो ये ऑप्शन प्रेफर करते हैं, ठीक है। सेकेंड है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशन हो और आप अभी स्टडी सीख नहीं कर रहे हो और
आपको तो भी आपको ऑनसाइट इंटरेस्ट है. जब भी मैं ऑनसाइट बोलता हूँ इट मींस दैट अब्रॉड, बिकॉज यू नो ऑनसाइट इज अ टर्म इन इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ. तो जब भी आप इंडिया में काम करते हो तो आपको कोई भी कंट्री अब्रॉड भेजा जाता है तो प्रोजेक्ट पे, तो उस प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी को ऑनसाइट बुलाते हैं. जिनको पता है अच्छा है, जिनको नहीं पता उनके लिए बताया मैंने. तो वो केस में कैसा करने का पता है, सबसे पहले तो कैसा, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें ज़्यादा ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हम हर ऑप्शन वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे. तो ये ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो MNC में जॉब लो. वॉट इज MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, वो तो आपको पता होगा. तो देखो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, स्पेशली अगर IT में होता है, देर इज अ TCS, L&T इन्फोटेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, मतलब आप एक लंबी लिस्ट है MNCs की जो बहुत सारी ऑनसाइट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है. तो देखो यार अब हम हर वे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कौन कौन से रास्ते से यहाँ लोग आते हैं काम करने के लिए आउट ऑफ इंडिया, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन. तो अगर आपको एटलीस्ट एलिजिबल होना है ये ऑप्शन के लिए, तो भाई आपको MNC में जॉब करना है. तो उसमें एक सिनेरियो है, मैंने 2-3 बार लोगों को देखा यार, वो बहुत कंप्लेन करते हैं यार साकिर भाई मैं MNC में अप्लाई तो करता हूँ, साला मैं तोड़ू कोडर भी हूँ, मेरे को मतलब जो भी आपकी फील्ड है आप बहुत अच्छे हो, मुझे कॉल नहीं आता. तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूँ, कुछ पॉइंटर्स दे सकता हूँ. सबसे पहले देखो यू नीड टू नो द रोड मैप एंड वॉट आर योर स्किल्स आर. अभी रोड मैप मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं फुल स्टैक में हूँ तो मेरे को मेरी टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए कि भाई ठीक है अपुंग एंगुलर में जा सकते हैं, अपुंग .NET में जा सकते हैं, SQL या अपुंग फुल स्टैक पोजिशन जा सकते हैं. सो फर्स्ट यू शुड नो दैट अपुंग कौन कौन सी पोजिशन में अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा स्किल अक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दूसरा चीज क्या है, वर्क ऑन योर रेज्यूमे यार. देखो मैं आपको बताता हूँ पहले कैसा होता था. जब हम कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ ना वो ऐसा होता था कि जब प्लेसमेंट्स होते थे कॉलेज के अंदर, तो वो जो इनविजिबल रहते हैं यार कोई बंदे, नाम याद नहीं आ रहा, वो लोग आपको गाइड करते हैं कि भाई रेज्यूमे 2-3 पेज का नहीं होना चाहिए, रेज्यूमे सिंगल पेज होना चाहिए या मैक्सिमम 2 पेज होना चाहिए. और वो एटलीस्ट मेरी जनरेशन में काफ़ी लोगों के दिमाग में एटलीस्ट बहुत हद तक घर कर गया है. तो वो कोशिश करते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिटेल रेज्यूमे जितना हो सके उतना शॉर्ट करें. तो देखो बाकी फील्ड्स का तो मेरे को पता नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट दैट फॉर इंजीनियरिंग या IT ये जो स्कोप है, और आई थिंक फॉर अदर फील्ड ऑल्सो आई बिलीव, बट IT में 100% श्योर, बिकॉज मेरे पास खुद के पास प्रोफाइल्स आते हैं और वो कैसे रेक्टिफाई होते हैं, कैसे फिल्टर होते हैं, उसका मेरा अच्छा आइडिया है. तो उससे रेज्यूमे पे काम करो. अब रेज्यूमे पे कैसे काम करो, मतलब कीवर्ड्स पे फोकस करो. आपको पहला मैंने बताया रोड मैप, ठीक है. तो रोड मैप में अगर मेरे को समझो एक टेक्नोलॉजी बोलता हूँ, अगर आपको आपको उस बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप एग्जांपल समझो. जैसे कि मेरे को जॉब चाहिए एंगुलर में, .NET कोर में, SQL में, ये मेरी 3 स्किल है, ठीक है. आप शायद मैनेजमेंट में हो सकते हो, आपकी लीडरशिप स्किल होगी, कम्युनिकेशन स्किल होगी, आप वो स्किल को फोकस कर रहे हो. मेक श्योर करो कि आप जितने प्रोजेक्ट्स पे काम किए हो, जितना काम किए हो, उस कीवर्ड पे स्ट्रेस लाओ. उस कीवर्ड को SEO वर्ड से ना होगा, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सो वैसे अपने रेज्यूमो को ऑप्टिमाइज करो, दैट इज वेरी नेसेसरी. क्यों मैं आपको बताता हूँ. तो कैसा होता है कि आप पहले तो बहुत डिटेल रेज्यूमे बना दो. वो जमाना गया जब कोई मैन्युअली चेक करता था. आज के जमाने में कैसा हो रहा है, ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के पास खुद का एक टूल होता है. खुद का टूल नहीं होता तो किसी थर्ड पार्टी लोगों से वो लोग वो टूल यूज कर लेते हैं जिसमें वो अपना रेज्यूमे अपलोड करते हैं. लेट मी सी रिकॉर्डिंग. ठीक है गुड, स्टिल रिकॉर्डिंग. तो वो लोग उस रेज्यूमे को अपने सिस्टम में अपलोड कर देते हैं और फिर वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हैं. मतलब कैसे, मतलब बताएंगे आपके पास 10 रेज्यूमे आ गए, आपने वो 10 रेज्यूमे सिस्टम में डाल दिए. अब आप बोलोगे एंगुलर, मेरे को 3 साल वाला एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए, मेरे को .NET का 5 साल वाला एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए. बट आपने रेज्यूमे को शॉर्ट करने के चक्कर में जो कीवर्ड्स निकाल दिए हैं, जो एक्सपीरियंस निकाल दिया है, या ज़्यादा डिटेल नहीं बनाया है, तो आपका रेज्यूमे कभी वो 10 लोगों में ऊपर आएगा ही नहीं. ओके, क्या मेरे की बैटरी खत्म हो रही है, तो छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और जैसे ही थोड़ा चार्ज करने के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. सो दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. ब्रेक मेरे लिए था, आपके लिए नहीं, बट आप टोन में फील कर पाओगे. तो टॉपिक पे फिर से आते हैं. सो हम रेज्यूमे की बात कर रहे थे.
सो दोस्तों, रिज्यूम ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है आज के ज़माने में। तो सिस्टम में आप जैसे ही रिज्यूमे डालोगे, तो जो भी एचआर होगा या हायरिंग पर्सन होगा, वो सिस्टम में फीड करने के बाद आपको जब कीवर्ड सर्च मारेगा, तो आप टेक्नोलॉजी एआई के साथ इतनी स्ट्रांग हो गई है कि जैसे ही आप प्रोजेक्ट डालते हो, तो खुद ब खुद बैकएंड में सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकता है, ओके ये प्रोजेक्ट में बंदे ने इतना काम किया 2 साल 3 साल, मतलब ओके प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट एंड डेट इतना था, तो वो अप्रॉक्सीमेटली ऑटोमेटिकली वो डेटा हायरिंग पर्सन को दे देता है। तो सबसे पहले तो क्या, आपका एंट्री पॉइंट ही उधर निकल गया। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप समझो, पहली बात तो एक रेज्यूमे का भी एक पोजीशन के लिए बनाते नहीं है। मैं आपको एक ऑनेस्ट क्या उसको बोलते हैं, एक ऑनेस्ट सजेशन दे रहा हूँ बाय हार्ट। और ये सब वीडियोस में स्क्रिप्ट नहीं लिखता, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है। मैं अपनी सिर्फ अपना जो ओपिनियन होता है वो शेयर करता हूँ बड़े ऑनेस्टली। और देखो, जिनको ये फ़र्क नहीं पड़ता उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट जिनको ये यूज़फुल है, जिनको ये चीज़ जानकारी चाहिए, उनको ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो एक्सपीरियंस होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप समझो एक्स वाई जी है, मैं आपको अपने सिनेरियो को बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखा कि ओके मेरे को टेक्निकल लीड का ये अपॉर्चुनिटी दिख रहा है फुल स्टैक में, मेरे को इधर अप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं देखूंगा ओके 5 साल इधर डॉट नेट किया हुआ आदमी चाहिए, ओके 3 साल एंगुलर वाला चाहिए, और एक्स वाई जी टेक्नोलॉजी चाहिए, ये वाली स्किल चाहिए, ठीक है। आप अपने रेज्यूमे में जाओगे 5 साल की जगह पे 7 साल, मतलब जो प्रोजेक्ट में नहीं रहेगा उसमें भी डालने का। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब मैं गलत एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, बट लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, समझे, समझदार को इशारा काफी होता है, समझे। डिस्क्रिप्शन रीड करो सारा, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है जीडी के, जीडी मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन में, वही चीज अपने रेज्यूमे में डालो, पीडीएफ में सेव करो और अप्लाई करो। कॉल नहीं आया तो मेरे को बताना, जिन लोगों को कॉल नहीं आता उनका प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व हो सकता है एटलीस्ट फर्स्ट लेवल, ठीक है। ये इस पे तो हम काफी डिस्कशन किया, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वी कैन यूज इट एज अ फोरम, किसी और को नॉलेज रहेगा वो बता जाएगा। मेरे से आप इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, बिकॉज आई नो दैट सम पीपल हु कांट स्पीक वेरी वेल हिंदी, सो इफ दे फेस डिफिकल्टीज दे डू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। सो इफ यू आर फ्रॉम द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड और नो इफ यू हैव मोर क्वेश्चन, जस्ट रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और पुट इट ऑन द कमेंट्स, ओके। तो मैं हिंदी में वीडियोज बनाता हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल होता हूँ, मेरा जो नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट है हिंदी में होता है, सो दैट इज द रीजन आई प्रेफर दिस लैंग्वेज। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं फिर से। ये रेज्यूमे की बात तो आपको फिट हो गई देगी, ठीक है। देखो, जो मेरे को बताना था बता दिया। नेक्स्ट, वर्क ऑन कनेक्शंस, हु रेफर अप टू डेट लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। देखो, कनेक्शंस पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त बनाओ, दोस्त कहाँ बना सकते हो, लिंक्डइन पे बना सकते हो। लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसे अप टू डेट रखो, अप टू डेट मतलब समझ रहे हो ना, जिधर एक्सपीरियंस नहीं है उधर भी घुसाओ, पूरा डिटेल डालो, 10-10 टेक्नोलॉजी डाल के रखो, बिकॉज लिंक्डइन भी सेम काम करता है। अभी हायरिंग पर्सन आएगा, आपको आपको देखना है तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। अब अगर आप 10 स्किल देखोगे तो ट्रिकी पार्ट कैसे मालूम है, 10 स्किल डालोगे तो पहले 3 स्किल जिसको चाहिए रहेंगे उसको बस वो पहले 3 स्किल ही दिखाई देंगे, जिसको लास्ट वाले 3 स्किल चाहिए रहेंगे उसको वो लास्ट वाले 3 स्किल ही दिखाई देंगे, समझे आप। जिनको पता नहीं है तो मेरे को बता दो, अपन और थोड़ा सा 1-to-1 गाइडिंग भी कर देंगे। इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो मेरे को, नहीं तो कमेंट में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंस्टाग्राम सॉरी लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये केसेस में। तो लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहो, कनेक्शंस बिल्ड करो, उसका एडवांटेज ऐसा होता है जो टेक्नोलॉजी वाइज बोले, ऑटोमेटिकली जो हायरिंग पर्सन है उनको रिक्वायरमेंट होगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली रीच करेंगे, क्योंकि आपका प्रोफाइल पूरा अप टू डेट है, जब वो सर्च करेंगे वो रिक्वायरमेंट के लिए आपका प्रोफाइल ऊपर आएगा। सेकेंड, आप कनेक्शन बनाओगे, आप बेशरम होगे मैसेज करने का, आपको एक्सेंचर में जॉब चाहिए ढूंढो एक्सेंचर वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 10 ढूंढो 15 ढूंढो, उसको मैसेज करो, हे ब्रो दिस इज माई रेज्यूमे, आई होप इफ यू कैन रेफर मी। देखो कैसा है, ये चीज हर जगह एप्लीकेबल होती है, रेफरल प्रोग्राम हर जगह होता है, ठीक है। तो वो लोग रेफर करेंगे तो विन विन सिचुएशन होता है, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपका तो फायदा ऐसे भी होने वाला है, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो जो बंदा रेफर करेगा उसको भी बोनस मिलेगा, रेफरल पॉइंट। तो वो चीज आप याद रखो, कनेक्शन लिंक्डइन पे बड़ा फोकस रखो। तीसरा क्या है, ओके देखो, ये चीजों से आपको कैसा जॉब मिलेगा एमएनसी में, समझ रहे हो, ये चीज में आप जैसे ही जॉब आपको मिल गया, वंस यू आर इन, तो भी थोड़ा लक फैक्टर होता है, थोड़ा क्या बहुत लक फैक्टर होता है, बट देखो लक फैक्टर के साथ साथ एक राइट एटीट्यूड होना भी जरूरी है, अपना एम का भी भूलना चाहिए। इफ यू हैव अ प्रोजेक्ट ऑप्शंस, ऐसा प्रोजेक्ट दोनों जो यूएस में हो या जिसमें ऑलरेडी कुछ लोग ऑन साइट बैठे हो, तो उसमें काफी फायदा होता है। वो चॉइस ज्यादातर मिलती नहीं है, बट अगर कोई केसेस में मिल गई सो गो फॉर इट, ओके।
सेकेंड है H1B पॉलिसीज। जैसे अगर आप MNC में चालू हो गए होगा, देखो कैसा है, आपका मैनेजर कभी आपको ऐसे बोलने वाला नहीं है, ए साकिर भाई इधर H1B के पॉलिसी अपने कंपनी में, तेरा मैं रेफर करूँ क्या, ऐसा कोई सामने से बोलेगा नहीं। देखो अच्छा काम करो, मैनेजर्स को बोलो कि मेरे को ऑन साइड इंटरेस्ट है, अरे 10 बार बोलो। मैं मेरा स्टोरी किसी वीडियो में मैंने डाला है, मैं तो 10 बार बोलता था। आई थिंक फर्स्ट ऑन साइड अपॉर्चुनिटी आई गॉट व्हेन आई वाज 22 ईयर्स ओल्ड, जाने का मौका नहीं मिला, बट 24 आई वाज ऑलरेडी ऑन साइड। ये फॉर्मूला मेरे लिए वर्क किया था, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, और मैं ज़रा फास्ट बोलता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और दोस्तों क्या फुद्दू कैमरा है ये, अभी 2 घंटे का ब्रेक लेना पड़ा मेरे को। प्रॉब्लम ऐसा है, मैंने 15% चार्ज किया और मैं बोला कि यार 20 मिनट रिकॉर्ड कर लेगा, बट 6 मिनट में इसकी हवा निकल गई। तो लेट्स सी, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो शायद से HD वीडियोज़ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, बट बैक टू द टॉपिक, क्योंकि आपके लिए ब्रेक नहीं था। तो मैं बात कर रहा था अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। आई थिंक लास्ट ये चीज़ मैं बता रहा था आपको कि मैंने ये खुद भी चीज़ें यूज़ की है, जैसे कि जब मैं इंडिया में काम करता था तो ऑफकोर्स आई वॉज वर्किंग इन MNC, तो मैं क्या करता था, जब भी प्रोजेक्ट में हूँ जैसी अपॉर्चुनिटी होगी, मैनेजर उसका मैनेजर मेरे कलीग सबको बता के रखता था, भाई मेरे को ऑनसेट अपॉर्चुनिटी चाहिए। देखो जिंदगी में देखो कुछ भी चाहिए रहता है, बेशर्मी थोड़ी तो बतानी करनी पड़ती है। देखो कैसा होता है, आई डोंट नीड टू से दिस स्टोरी, बट मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो बचपन में मुझे किसी ने सुनाई थी और वो चीज़ का इम्पैक्ट आज भी मेरे ऊपर है। तो मैं आपको वो चीज़ स्टोरी सुनाना चाहूँगा इस टॉपिक के अंदर, दैट समझो कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मेरे पास इसे और 10 मार्कर है, बट समझो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। आप आते हो मेरे पास मॉर्निंग को, आप मेरे नेबर हो, और बोलोगे यार साकिर तेरे पास ये मार्कर है, तेरे पास तो 10 मार्कर है, एक काम करना यार तू मुझे एक मार्कर, ये हमारा मार्कर दे दे मुझे, मुझे यूज़ करना। तो मैं बोलूँगा नहीं यार मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों, तो मैं उसको नहीं बोल दूँगा, ठीक है। वो दूसरे दिन फिर बोलेगा अपन मिलेंगे शाम को ऐसे ही खेलते हुआ क्या बातें करते हो, बोले यार वो तेरा मार्कर है साकिर मेरे को चाहिए। तो मैं बोलूँगा नहीं यार मेरे को चाहिए। तो तीसरी दिन वो ऐसा ही करेगा, और इमेजिन करो कि जब वो मुझे दिखे बोले यार साकिर यार तो कोई मार्कर देता नहीं मेरे को, यार मार्कर दे। सो एक ह्यूमन नेचर होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर एक वीक के बाद या 10-15 बार अगर वो बोलेगा ना यार साकिर यार मेरे को दे देना मार्कर, मैं बोलूँगा ठीक है भाई रख ले, अच्छा तू भी क्या याद रखेगा। तो वो चीज़ पता नहीं आपको इम्पैक्ट करती है कि नहीं, बट मुझे वो आइडियोलॉजी ये थॉट प्रोसेस काफ़ी इंट्रिक करता है, दैट ओके मतलब मैं अगर अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो मेरा मैनेजर बोला अरे यार मैनेजर भाई मेरा ऑनसाइट का करवा दो यार, मेरा इंटरेस्ट बहुत है वो H1B वीज़ा का, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है यार करवा दो, तो पहली यार बोलेगा कि भाई ठीक है अपन करते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, वाकई थोड़ा टाइम भेज दिया वाला यार मेरे को इंटरेस्ट है। तो एक ना टाइम ऐसा होगा कि अगर रियल में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है, तो उसमें आपके साथ 3 और लोग बंदे भी है, ठीक है, कि भाई ये साकिर है, ये राजू है, ये रमेश है, ये 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बट जब वो सिनेरियो आएगा ना तो मैनेजर क्या बोलेगा, यार ये साकिर मेरे को बहुत बार बोला है तो चलो अब 19-20 एडजस्ट कर लेंगे, इसको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, मैंने ये स्टोरी शायद किसी और वीडियो में बताई रहेगी, बट एक इन शॉर्ट बता देता हूँ कि मैं ऐसे ही करता था, मैनेजर डिलीवरी मैनेजर जो IT में रहेंगे उनको पता रहे, मैं हमेशा बोल के रखता था यार अपॉर्चुनिटी है मेरे को चाहिए। तो ऑनसाइट का एक बंदा उसने जॉब छोड़ दिया था तो उसको बैकफिल करना था, तो 3-4 ऑप्शन से उसने बोला यार साकिर बहुत बार मांग रहा है मेरे को, तो कोई बात नहीं, उनको उस टाइम पे बोलते थे बहुत यंग लड़का है पता नहीं कर पाएगा सीनियर पोजीशन है, बट जस्ट बिकॉज बार बार पूछता था मैं उसे पुश करता था, थोड़ी सी बेशर्मी दिखाता था, तो जिस दिन अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई। तो देखो ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और लोग पता नहीं यार गाइड नहीं करते ज़्यादा, और करते भी है तो पता नहीं यार, मतलब मैं इस मीडियम थ्रू इस माध्यम थ्रू जो चीज़ मुझे किसी ने बताई नहीं वो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, दिस थिंग वर्क्स, ओके। तो आई थिंक दैट, और उसी के साथ H1B वाला भूलना मत, बहुत सारी कंपनीज में पॉलिसी होती है वो बताएंगे नहीं, पूछोगे भाई वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए ये चाहिए, क्योंकि वो बाद में जाके आपको बड़ा काम आता है, तो जो भी चीज़ मिल रही है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो पहले तो हमने अब्रॉड स्टडीज़ कवर कर लिया, MNC वाला कवर कर लिया, उसमें जो सब टॉपिक्स है वो भी हमने कवर कर लिया।
तीसरा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो आज की तारीख में बहुत लोग यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री ऑप्शन. ओके, आई थिंक कैनेडा ऑस्ट्रेलिया फॉर श्योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोवाइड करते हैं. तो उसमें कैसा होता है, जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है, सबसे पहले तो आप क्या करो, या तो चैट जीपीटी के पास जाओ या गूगल में जाओ, एक्सप्रेस एंट्री फॉर कैनेडा, एक्सप्रेस एंट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया सर्च मारो. इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि कुछ सर्टन स्किलफुल या क्वालिफाइड बंदे लोग रहते हैं, उनको लोग आई थिंक पीआर या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, या उस कंट्री में जाके ट्रैवल करते हो, ऐसा कुछ है. मैंने बहुत सार पहले ये चीज ऑप्शन ट्राई किया था, बट ऑफकोर्स अपनी ये वीडियो एक्सप्रेस एंट्री को डिटेल में एक्सप्लोर करने का नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज. अगर आप समझो आप बीटेक हो, एमटेक हो, या कोई और अदर आपके पास बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री है, तो ये बहुत सारी ऐसे कंट्रीज होती हैं जिसमें एक्सप्रेस एंट्री होती है. ऑस्ट्रेलिया कैनेडा फॉर श्योर है, उसमें आप आपको जॉब आपको शायद इंडिया से ही मिल सकता है, या आपका जो पीआर प्रोसेस होता है, जो वीज़ा प्रोसेस होता है, वर्क परमिट स्पेशली, वो इजीली प्रोसेस हो जाता है. तो मैं आपको क्या एंट्री, मैंने क्या तिगड़म लड़ाया था, वही मैं आपको एडवाइस देता हूँ. इसकी ना हज़ारों कंसल्टेंसी सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है? तो अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, तो देखो कंसल्टेंसी सर्विसेज तो मैं 90% तो मेरे को स्कैम लगते हैं. बट आप क्या करो, गूगल पे सर्च मारो, सबसे पहले तो आपको हज़ारों सर्विसेज दिख जाएगी. तो जिसके रेटिंग वेटिंग अच्छे रहेंगे उसको ईमेल करो. कैसे ईमेल करोगे, हाय दिस इज साकिर साठिया, जो भी आपका नाम है, आई हैव दिस डिग्री एंड आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग टू कैनेडा थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, आई सॉ दिस ऑन योर वेबसाइट, प्लीज लेट मी नो इफ आई एम एलिजिबल एंड वॉट विल बी योर फीस. तो इसमें क्या चीज़ है पता है, क्योंकि उनका जो सेल्स पर्सन रहेगा उसको आपको छोड़ना नहीं है, आपसे पैसे निकलवाने हैं. बट आप भी बड़े स्मार्ट हो, मैंने ऐसा किया था, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ. अब फिर आपको वो गेट बैक करेंगे कि हाँ भाई इतना इतना फीस होता है, फिर आप बोल दो मेरे को थोड़ा प्रोसेस तो समझाओ कि भाई ये चीज़ कैसे वर्क करेगी, ये चीज़ में मेरे को क्या पॉइंटिंग सिस्टम रहेगा. तो ये जो इनिशियल नॉलेज होता है, अगर आपको पैसे नहीं भी देने तो बिना पैसे दे के ये फ्री में हो जाएगा. कोई मुझे कॉन्ट्रडिक्ट मत करो, मैंने ऐसा किया है. वो सेल्स वाला बंदा क्या करेगा, आपको फटक से बोलेगा आपकी डिग्री बताओ, ये बताओ, आपके इतने इतने पॉइंट है, आपको इतने पॉइंट की ज़रूरत है, आपको IELTS एग्जाम देना पड़ेगा, और वो सब गाइडेंस आपको फ्री में मिल जाएगा. तो वो चीज़ मैंने ट्राई की थी. एक्सप्रेस एंट्री इज वन ऑफ द वे आप अब्रॉड काम कर सकते हो. ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ट्राई करो देन इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ फिजिबल, ठीक है. अब दूसरा ऑप्शन अपन क्या ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई डायरेक्टली, जो भी, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये काम करता है. तो जो कंट्री में आप बैठे हो उसमें ले काम करते हो, उसमें कैसा होता है, अब डायरेक्टली अप्लाई करना चालू कर दो. क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया मैंने कि लिंक्डइन प्रोफाइल बड़ा मजबूत बना के रखो. 10 स्किल वाला एग्जांपल समझ में आ रहेगा आपको, 10 स्किल डालो, जिसको जरूरत रहेगी आपको कॉल देगा. उस केस में आप क्या करो कि आप ऑलरेडी ना, जैसे कि आपको समझ कोस्टारिका का मेरे को बहुत ही डिटेल नॉलेज है, ठीक है, ब्राज़ील, कोस्टारिका हो गया, कोलंबिया हो गया, तो वहाँ की कंपनी में आप जॉब फिल्टर लगाओ लिंक्डइन पे और अप्लाई करना शुरू कर दो. यहाँ की बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, आई थिंक जर्मनी में भी सेम सीन है, क्योंकि मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो जर्मनी से कोस्टारिका से जर्मनी जॉब लिया था सेम अप्रोच से. तो आप अप्लाई करना शुरू कर दो, और अगर आपके लक फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको जैसे ही आपने इंटरव्यू क्लियर किया आपको लोग वीज़ा स्पॉन्सर कर देंगे, कभी कभी तो फ्लाइट टिकट भी स्पॉन्सर हो जाती है, दैट इज़ नसीब के ऊपर है. मेरे पास कुछ कंपनीज के नाम है बट पता नहीं यार मैं बता सकता हूँ कि नहीं अभी वीडियो में, बट अगर आप कमेंट्स में, नहीं आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करोगे अगर आपको, मैं 2-3 कंपनी के नाम बता दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है. दैट इज़ वन थिंग, ओके. तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, यूज़ हो सकता है. बट अभी साकिर भाई का अप्रोच, ठीक है, तुम्हारा भाई बताएगा कि इसमें थोड़ा ट्विक क्या लाना है. सो दोस्तों, मैंने अभी, मैं पता नहीं नाम ले सकता हूँ कि नहीं, मैं मल्टीपल दोस्त है उनको ये रिकमेंडेशन दी थी, उनको लिए वर्क किया था. देखो क्या करो पता है, आप लिंक्डइन पे जाओ. लिंक्डइन इज अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर जॉब. अभी जो भी बोल रहे हैं कि नहीं है भाई, IT एंड फॉर मोस्ट जॉब्स स्टिल वेरी पावरफुल टूल, ओके. तो आप लिंक्डइन पे जाओ, और जैसे आपको कोस्टारिका आना है तो आप कोस्टारिका का लोकेशन अपडेट कर दो. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ. जैसे कि अभी मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट है यार मेरे को भी ब्राज़ील जाके काम करना है, मेरे को जर्मनी जाके काम करना है, मेरे को कोस्टारिका जाके काम करना है. लिंक्डइन में डाल दो कि ये कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी या करंट कंपनी भी, बट लोकेशन कोस्टारिका डाल दो. देखो भाई
कोई आपका आपका एम्प्लॉयर आके आपको गला नहीं पकड़ेगा, लोकेशन क्यों आप बोल सकते हो ह्यूमन एरर है गलती से डाल दिया, ऐसा कोई बोलता नहीं है पहली बात तो, बट पहले लोकेशन डाल दो। अब उसका मैजिक कैसे होगा पता है, उस लोकेशन की जितने भी रिमोट कंपनीज होगी, छोटी कंपनी रहेगी बड़ी कंपनी रहेगी, उसकी जो खुद के रिक्रूटर रहेंगे वो खुद भी आपको अप्रोच करेंगे, तो आपको जो अप्लाई वाला पोर्शन है वो रह जाएगा। जैसे ही आपको आया बोल देने का कि यस आई वॉज देयर, मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, जिनको जिनको जो इधर तक देख रहा है उसको जरूरत है, इसलिए रिटेल में बात कर रहा हूँ। तो उस केस में कैसा होगा कि आपने डाल दिया जैसे कोस्टारिका, आपको एक एक्सवाईजी कंपनी ने बोला हे राजू और हे साकिर वी आर इंटरेस्टेड, वी हैव दिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू फाइंड इट फिट, बोल दो कि ठीक है व्हाट इज सैलरी एक्सपेक्टेशन, पहले पूछ लो भाई सैलरी रेंज क्या है पोजीशन के लिए, वो सैलरी बता देंगे, देखो भाई तुमको परवड़ता है क्या। अगर कोस्टारिका के लिए आपको ऐसा करना है तो तुम्हारा भाई है गाइडेंस करने के लिए तुमको, और लास्ट वीडियो मेरा चेक करो, उसमें मैंने ना पूरा सैलरी क्या होता है, लिविंग क्या होता है, कितना पैसा लगता है, जितना मेरे साइड से कवर कर सकता था उतना मैंने कवर किया है, तो वो निगोशिएशन कर दो। फिर इमीजिएटली बोल दो कि देखो मैं कोई गलत एडवाइस नहीं कर रहा, लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लोग ऐसा कोई ओपनली बताता नहीं है, ऐसा कुछ गलत हो गया तो मेरे गला मत पकड़ लेना, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वॉट पीपल हैव डन दैट इज, एंड अगर आपको करना है तो अप टू यू, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो वो कैसा होगा, अगर हम ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, तो मेरे को आ गया कॉल मुंबई से काम करना, बोलूँगा कि हाँ भाई सैलरी इतनी इतनी मेरे को परवड़ रहा है, बोलूँगा अरे प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं पहले था अभी कुछ महीने पहले था, बट मेरा अभी वीज़ा वगैरह सब ले लिया है, तो तुमको स्पॉन्सर कर पाओगे क्या, तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है। देखो इसमें भी कैसा होता है, जो करने वाली भी रहती है वो आपको पहले ट्राई करेगी, आप कंट्री में आ जाओ फिर प्रोसेस कर देंगे, बट एटलीस्ट आपको कॉल लग गया, यहाँ आपको कुछ बात तो हो रही है। अगर आपके नसीब अच्छे रहे तो बहुत सारी कंपनी फ्लाइट प्लस वीज़ा स्पॉन्सर करेगी, कुछ लोग होंगे बोले ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटलीस्ट कोस्टारिका का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको किसी ने यहाँ बुला लिया खुद का खर्चा करके, तो सबसे पहले तो वो आपको लिटिल बिट सैलरी है ना यहाँ के एवरेज से कम देगा, दैट इज़ फॉर श्योर। आप कोई भी सर्विस कंपनी देख लो जो इंडिया से बंदा यहाँ भेज रहा है और यहाँ का जो हायरिंग करना रहता है डायरेक्ट हायरिंग, उससे कम सैलरी मिलती है, तो वो बंदा ऐसा कैलकुलेट करेगा ठीक है भाई इसको मैं ऐसा वीज़ा स्पॉन्सर कर दिया, फिर इसको मैंने इधर बुला दिया, बट मेरा मैं क्लाइंट से था प्रॉपर मार्जिन रख रहा हूँ, तो बंदा ये एक साल तक मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। दैट इज़ एटलीस्ट इन दिस कंट्री इट इज़ रूल कि अगर किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो सेकेंड स्पॉन्सरशिप विद इन वन ईयर नहीं मिलती आपको, तो एटलीस्ट वन ईयर की गारंटी है कि भाई ये इतना तगड़ा बंदा है, इंटरव्यू मस्त क्रैक किया है, एक साल तक ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, तो उसी वजह से कंपनी स्पॉन्सर करती है। यू जस्ट नीड टू वे राइट चैनल राइट पीपल और उस चीज पे फोकस राइट वे, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज से ऐसा पॉसिबल होता है। और ऑन टॉप ऑफ इट बोलते हैं ना चेरी ऑन टॉप ऑफ इट, तो उसमें आप क्या करो, अगर आपके किसी कंट्री में इंटरेस्ट, अगर आपको ऐसा करना है ये चीज काम कर सकती है, तो वो कंट्री का ना टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके रख लो, उसका एडवांटेज मैं बताता हूँ। आपने अगर निगोशिएट किया कि मैं को अभी कोस्टारिका आना है बट मेरे पास अभी वर्क परमिट नहीं है, बट आई हैव अ टूरिस्ट वीजा, आई कैन गेट इन टू द कंट्री, कैन यू टेक केयर ऑफ फ्रॉम देयर, अगर कंपनी ने ऑन पेपर बोला कि यस वी विल टेक केयर ऑफ इट, उनको बोलो ठीक है ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है तुम प्रोसेस करना शुरू कर दो, आई विल वर्क फ्रॉम इंडिया फॉर वन मंथ, ये तुम्हारा भाई का पर्सनल एडवाइजर, उसका एडवांटेज मैं ऐसा बताता हूँ, आपको एक महीने का सैलरी मिल जाएगा, फिर वो एक महीने का सैलरी आएगा उसी से अपने एयर टिकट स्पॉन्सर करो और वहाँ जो भी कंट्री में आपको जॉब लगा है वहाँ ट्रैवल कर लो, तो आपका पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये एक अप्रोच है। और लेट मी सी इसमें और ट्रिक मैंने डाला था, लेट मी रीड माय पॉइंट्स, ठीक है, आई थिंक ये एक हो गया। और दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट अप्रोच है बट पीपल करते हैं, लोग ऐसा करते हैं स्पेशली यहाँ से मायामी वगैरह अगर फ्लोरिडा वगैरह में जॉब करने के लिए जो सेंट्रल अमेरिकन में, वो लोग क्या करते हैं वो टूरिस्ट वीजा पे वहाँ चले जाते हैं और वहाँ से जॉब हंटिंग करते हैं, तो उसका मैं आपको फिर से एक एडवाइस देता हूँ क्योंकि अलग अलग टॉपिक है दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं फैंसी एडिटिंग नहीं करने वाला रहता है ना, ऐसा आता है और बीच में बोलते हैं फर्स्ट टॉपिक सेकेंड टॉपिक, ऐसा नहीं, आप गौर से सुनो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनो आपको वैल्यू मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरा अप्रोच भी होता है, लोगों कंट्री में ट्रैवल कर लेते हैं, जैसे कि आपको दुबई चाहिए, दुबई जाना है, ठीक है,
तो दुबई चले जाते हैं पहले और फिर वहाँ हंटिंग चालू कर देते हैं। एंड इट इज़ ट्रू कि जब भी आप कोई कंट्री में प्रेजेंट होते हो तब चीज़ें काफ़ी आसान होती है। तो एक वन ऑफ द अप्रोच, आई एम गिविंग यू मोर सेफ अप्रोच, बट ऐसा भी होता है एंड येस दिस इज ट्रू, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है अभी, अरे दोस्तों लाइफ में मैंने इतने लोग को मिला हूँ मैं, और इतनी अलग अलग लोग ट्रिक यूज़ करते हैं यू कैंट इवन बिलीव। तो मैं, और देखो जितना ऑफ रूट ट्रिक्स मैं नहीं बता रहा आपको, और मैं आपको ये भी नहीं बता रहा कि आप करो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर नॉलेज, क्योंकि किसी को गलत एडवाइस देना सही भी नहीं होता, बट एडवाइस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है तो अब मेन और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, लोग क्या करते हैं पता है, जैसे कि अभी मैं कोस्टारिका में आ गया, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, मेरे को यूएसए में काम करना है, मेरे को यूएसए में जाना है, तो उसमें आप क्या, लोग क्या करते हैं, मतलब हर जगह कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक दो फ्रेंड्स को देखा था, वो लोग क्या करते हैं, समझ आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है, या आप ऑलरेडी इंजीनियर हो, या आप ऑलरेडी एक प्रोफेशन में काम कर रहे हो, बट आपको अभी वो चीज़ में यूएस में करना है, तो सबसे पहले तो क्या करो, वो लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक फुद्दू सा कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे कि मैं हूँ अभी इंजीनियर, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरे को अभी यूएस में जाना है, तो मैं नहीं, मतलब लोग ऐसा कर रहे हैं, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मेरे पास, मैं ऑलरेडी इंजीनियर हूँ, मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, बट मेरा जो यूएस का काउंटर पार्ट है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, मेरा जो इंडिया का काउंटर पार्ट है उसको मेरे से कम मिलता है, और मेरे को यूएस वाले से कम मिलता है, ठीक है, और यूएस वाले को तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही मिलेगा, बट मुझे अभी यूएस जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाइपोथेटिकल सिनेरियो में मैं एक फुद्दू से कोर्स, मतलब लोग करते हैं ऐसा, एक फुद्दू से कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं लोग, जैसे कि आर्ट्स, दो बंदों ने ऐसा किया था। देखो लैंग्वेज पे मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज आई कांट गाइड एनीवन रॉन्ग, ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। तो राजू, समझ राजू नाम का बंदा है, उसने क्या किया कि यूएस में एक फुद्दू से कोर्स में एडमिशन ले लिया। फुद्दू सा कोर्स मतलब क्या, वो है इंजीनियर बट उसने समझ कोई हैंड राइटिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, या सिंगिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। फुद्दू इसलिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ मतलब फुद्दू इसलिए कि उसके लिए फुद्दू, क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं है, ठीक है, उसे वो परस्यू भी नहीं करना है, बट दैट इज समथिंग ही कैन ईजिली गेट इन टू, वो ऐसी चीज है जिसमें वो ईजिली एडमिशन ले सकता है। एडमिशन ले लिया, तुम्हारे पास स्टूडेंट वीजा आ गया, तुम ट्रैवल कर लिए वो कंट्री में एक्स वाई जी में, तुमको पढ़ाई करनी नहीं है क्योंकि तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है मैं पास हूँ कि नहीं, बट ऑन द स्पॉट, या पास भी हो गए 6 महीने का कोई कोर्स रहता है वो कर लिए, तो तुमको एक विंडो मिलता है जॉब ढूंढने का, या उधर जाके तुम स्टूडेंट भी हो बट तुम जब जॉब हंट कर रहे हो तो तुम ओरिजिनल इंडिया की डिग्री है, तुम्हारी बेस कंट्री की जो डिग्री है उसे यूटिलाइज करो जॉब ढूंढने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंट्री चले गए, स्टूडेंट हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, कोई झूठ नहीं बोल रहे हो, बट अब जब जॉब अप्लाई कर रहे हो, तब अगर आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर वाले जॉब अप्लाई कर रहे हो, सिंगिंग वाले नहीं, अगर आप मैनेजर हो तो मैनेजर वाले जॉब अप्लाई कर रहे हो, और आपका जो कोर्स करने वाला जो विंडो होता है उसमें मोस्ट ऑफ द इस केस में कैसा होता है, जो कंपनी में जॉब देती है ना आपको, वो स्पॉन्सर करवा देती है, और दिस वर्क्स। मैं ऐसा हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं नाम ले नहीं सकता दोस्तों का जिन्होंने ऐसा किया है, बट दिस इज वन ऑफ द वे। और मैं, हाँ, साकिर भाई का टच करना भूली गया, डालना भूली गया, तो मैं, मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं, समझे, अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो मैं तो ऐसा बोलूंगा कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो में उनको फर्स्ट रिमोट जॉब ढूंढना चाहिए। आज के ज़माने में इंडिया में कहाँ कहीं भी आपको रिमोट जॉब मिल ही जाता है, जिसमें आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो पहले रिमोट जॉब ढूंढ लो, दैट इज़ अ वन टिक। फिर आप ट्रैवल करो जो कंट्री में जाना है, या वहाँ स्टूडेंट बन जाओ, या जो भी आप कर रहे हो अब वो वहाँ जाओ, और फिर जॉब हंटिंग करो, मतलब आप समझ रहे हो। तो आप जैसे ट्रैवल कर लिए, आपकी ये वाली इनकम अभी चालू है, ठीक है, और फिर आपको लगे कि भाई हम सेटल कर गए, अभी मेरे को दूसरा जॉब मिल रहा है, तो फिर सिस्टमेटिकली फर्स्ट जॉब में आप रिज़ाइन कर सकते हो। ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और कुछ एक्सपीरियंसेस है जो मैं इसको आपको ऐसी सिचुएशन में डाल के, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, और फाइनल डिसीजन आप अपने ओन रिस्क पे ले सकते हो, समझे ना। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। अभी लास्ट ऑप्शन ऐसा होता है ना दोस्तों, लेट मी सी अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दिया, क्योंकि जब ये फ्लो अगर ब्रेक होता है ना तो कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं कभी कभी। आई थिंक नहीं, आई थिंक देखो थोड़ा बहुत मिस किया है, बट जो एसेंस है, जो मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया।
अभी जो दूसरा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है एकदम लास्ट जो लोग यूज करते हैं, दैट इज अ कंसल्टिंग कंपनी। कंसल्टिंग कंपनी मतलब कैसे, मैं अगर एक कंपनी पे जाऊंगा बोलूंगा मेरे को अभी ये फलाना फलाना कंट्री में जॉब चाहिए, फिर बोलेंगे कि ये आपकी फीस होती है, ये चीज को आप लास्ट प्रायोरिटी दो। मार्केट में 80-90% मेरे को ये स्कैम लगते हैं। आज तक मेरे को तो कोई ऐसा बंदा मिला नहीं है जो सक्सेसफुली या बिना स्कैम हुए या ज्यादा पैसा दे हुए, नहीं मेरे को तो कभी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा मिला नहीं है जिसने ये रूट थ्रू ट्रेवल किया हो और सक्सेसफुली सेटल हुआ हो। तो कंसल्टेंसी से थोड़ा दूर रहे, इट आई एम नॉट टेलिंग दैट इससे नहीं होता। अगर आप कंसल्टिंग जाना चाहते हो तो थ्रू रेफरल जाओ। रेफरल मतलब कैसे, जैसे कि आप मेरे को जानते हो, आपका दोस्त हूँ साकिर, मैं बोला अरे मैंने इसे यूज़ किया सक्सेसफुली, ये चीज़ें मैंने फॉलो किया और ये हो रहा है, तुम इसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। जब आपको कोई आपके पहचान वाला अगर कोई रेफर कर रहा है, देन ओनली ट्रस्ट, अदरवाइज डोंट ट्रस्ट एनी कंसल्टिंग एजेंसी, बिकॉज स्कैम करने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, आई थिंक मैंने वीडियो बड़ा बना दिया, बट देखो मेन पॉइंट कैसा है पता है, जिनको ये नॉलेज चाहिए था और जिनको जिनके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है और जिनको ये चीज़ को यू नो ये एक्सपीरियंसेस सुनने में या जानने में इंटरेस्ट था, उनको ये वीडियो छोटा लगेगा, आई थिंक सो। तो बट आई थिंक दैट यस, मुझे जितना लगा था मैंने कवर कर दिया। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, क्या फालतू कैमरा है दोस्तों, फिर से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, बोल रहा कैमरा इज टू हीटेड, आई डोंट नो मैन। ठीक है चलो वीडियो को एंड करते हैं अपन। तो दोस्तों मेरी तरफ से जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने सारे कवर कर दिए, मैंने आपको बता दिया एक अब्रॉड स्टडी वाला ऑप्शन होता है, MNC वाला ऑप्शन होता है, उसमें रेज्यूम ऑप्टिमाइजेशन और वो कैसा रोड मैप फॉलो करना, क्या टिक्स फॉलो करनी वो हमने कवर कर दी, एक्सप्रेस एंट्री हमने कवर कर दिया, डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हो वो ऑप्शन कवर कर दिया, आप डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हो कंट्री में, लिंक्डइन वाले क्या ट्रिक्स होती है, लोग जॉब्स के लिए स्टूडेंट वीज़ा वगैरह क्या करते हैं, वो वाले सारे एक्सपीरियंसेस जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं वो आपसे शेयर कर दिए। कंसल्टिंग कंपनी भी ट्राई कर सकते हो, बट ओनली वेन समबडी यू नो इज रेफरिंग यू, मतलब अगर आप कोई किसी को पहचानते हो और वो आपको रेफर कर रहा है तो ही जाइए, लोएस्ट प्रायोरिटी रखिए उसके लिए। बट जो मैंने आपको ऑप्शन दिए है, देखो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज़ में, कुछ कुछ अगर ज़िंदगी में चाहिए तो वो भाई हार्ड वर्क इज़ द ओनली ऑप्शन, माय मोटो इज़ लाइक द सेम, लाइक मैं हमेशा बोर्ड पे भी लिख के रखता हूँ, वर्क हार्ड ड्रीम बिग। ठीक है, तो देखो हर चीज़ में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो ये पॉइंट तक देख रहे हो, मतलब दोस्तों आप में वो बात है, ठीक है, आपको चीज़ अचीव करनी है और आप करोगे भी, आपको एक एडिशनल गाइडेंस भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो, मैं बहुत ही अप्रोचेबल हूँ और काफ़ी हेल्प करता हूँ। और लास्ट एक दोस्तों ऐसा है, कुछ लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ इंजीनियरिंग कोडिंग के बारे में, मुझे उस जॉब का बहुत मतलब मुझे इस डोमेन के बारे में काफ़ी नॉलेज है। अगर आप ऑलरेडी एक इंजीनियर नहीं हो और ये पॉइंट तक फिर भी वीडियो देख रहे हो, आपको बहुत ही इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में, तो मैं जनरली टेक्निकल वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ दोस्तों। बट देखो अभी जो AI का बूम देखा है, ChatGPT वगैरह और ये सब, दोस्तों कोडिंग इज़ द वन ऑफ द इजिएस्ट स्किल टू अचीव, समझ लो काफ़ी आसान है सीखना। दूसरा, कोडिंग के जॉब्स के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। यस, मैं भी जिस कंपनी में काम करता हूँ किसी ने मुझे डिग्री नहीं मांगी, आई हैव फ्रेंड्स जिनके पास भी कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है बट दे डू जॉब्स। तो अगर आपके पास स्किल है तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर हो सकता है, पैकेज मतलब पैसे। तो आई थिंक दैट मुझे ना थोड़ा सा, मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता नहीं हूँ बट मैं आगे सिर्फ आपके लिए, मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, मुझे एडिटिंग का भी टाइम नहीं रहता, बट सिर्फ आपके लिए आपको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए मैं एक आगे छोटे छोटे वीडियो सीरीज कोर्स भी बोल सकते हो बिना पैसों का, मैं कोई पैसा वैसा लेने वाला नहीं हूँ इस चीज़ का, मैं आपको गाइडेंस वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को, और नेक्स्ट टाइम जो आप वीडियो मिलेगा आपको वो आपको पूरा गाइडेंस रहेगा कि एक बंदा है फॉर एग्जांपल जिसने सिर्फ 12th पास है, 13th पास है, या सिर्फ प्लेन बीकॉम किया बट अभी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन में इंटरेस्ट है, उसको वो रोड मैप कैसे जनरेट करना है और क्या पाथ फॉलो करना है वो चीज़ मैं आगे एक सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए,
और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आई एम नॉट अ टीचर बट एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ मैं आपके साथ और आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कौन सा वे फॉलो करें जिससे अगर आप इंजीनियर नहीं भी हो तो आपको एक अच्छा जॉब मिल सके, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके और अपने गोल फुलफिल कर पाओ। सो दोस्तों बस इसी के साथ आज का वीडियो अपन एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा नहीं भी लगा हो फिर भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कोर्स के साथ और हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बस बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।